दोस्तों, काफ़ी समय बाद इस तरह का कोई इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा केस निकल करके आया है। इस केस के अंदर एक गलत जीएसटी नंबर कैंसल हो गया। किसकी मिस्टेक से? एक चार्टेड अकाउंटेंट की मिस्टेक से। तो वही ऑर्डर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है या आपके किसी क्लाइंट के साथ भी हो सकता है। इट अपीयर्स दैट रिट एप्लीकेंट्स आर हियर बिफोर दिस कोर्ट एंड जीएसटी नंबर has been cancelled. The fact of this case are quite peculiar. CA of the writ applicant wanted the HUF registration to be cancelled. तो इस केस में जो registration cancel होना था वो HUF का होना था. Instead of insulting the registration number of HUF inadvertently without any noticing या किसी भी कारणवश जो है इग्नोरेंस की वजह से सीए ने इंसल्ट कर दिया रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रोप्राइटरशिप, यानी कि एचयूएफ का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना था बट सीए की इग्नोरेंस की वजह से जो है रजिस्ट्रेशन नंबर किसका इंसर्ट हो गया? प्रोप्राइटरशिप का। इन सच सर्कमस्टांसेस रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोप्राइटरी फर्म अंडर द जीएसटी गॉट कैंसल्ड। तो उस प्रोप्राइटरी फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसल हो गया। डिस्पाइट द फैक्ट दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म गॉट कैंसल्ड, रिटर्न फाइल बाय रिट एप्लीकेंट्स वर बीइंग एक्सेप्टेड। तो यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन भले ही कैंसिल हो गया हो, उसके द्वारा फाइल की गई रिटर्न को एक्सेप्ट कर लिया गया। लेट नोटिस टू बी इशूड टू द रिस्पोंडेंट रिटर्नेबल ऑन 23 मार्च 2022। तो यहां पे ऑन द रिटर्नेबल डेट नोटिफाई दिस मैटर ऑन द टॉप ऑफ द बोर्ड, और यहां पे द फैक्ट्स रिकॉर्डेड बाय द कोर्ट वाइट ऑर्डर डेटेड 3 मार्च रेफर टू अबव स्पीक फॉर इटसेल्फ। इट वॉज इनएडवर्टेंट मिस्टेक जो कि की गई थी चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा, जिसकी वजह से प्रोप्राइटरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसल हो गया। और यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि इमिडिएटली लुक इन टू द मैटर एंड सी टू इट दैट द ऑर्डर कैंसलिंग द रजिस्ट्रेशन इज रिकॉल्ड। उसे रिकॉल किया गया कैंसिलेशन ऑर्डर को, और ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन जो है उसे रिस्टोर किया गया। फॉर अ मिस्टेक सैड टू हैव बीन कमिटेड बाय चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा जो मिस्टेक हुई, द डीलर शुड नॉट बी मेड टू पे अ वेरी हैवी प्राइस लाइक कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इट्सेल्फ। तो यहाँ पे एक चार्टेड अकाउंटेंट की मिस्टेक की वजह से जो डीलर है उसको ये हैवी जो नुकसान है वो कंसीलेशन की फॉर्म में ना भुगतना पड़े, तो इसके लिए रिस्टोरेशन कर दी गई। इसके अंदर रिट एप्लीकेशन स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंगली, डायरेक्ट सर्विसेज परमिटेड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है।